आपने अपनी बायोलॉजी की बुक में न्यू वर्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ड मंकीज का वर्ड तो पढ़ा ही होगा, तो क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया है कि हैं तो मंकीज है लेकिन इनके साथ ओल्ड वर्ड और न्यू वर्ड का वर्ड क्यों यूज हुआ है? तो चलिए, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जूलॉजी विद आमना। आज हम इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं कि ओल्ड वर्ड और न्यू वर्ड के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो जब हम वर्ड मैप को देखें तो वर्ड मैप जो है वो हमें इस तरह का नजर आता है इसके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स के साथ जो कि हमारे पास है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। अब ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स है ये हमें पता है कि पहले से ही जो थे आपस में कनेक्शन में थे, यानी कनेक्टेड थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बाद में क्या हुआ, कोलंबस जो कि यूरोप का रहने वाला था, अब उसने क्या किया, वो तो असल में निकला था वाटर रोड पे ताकि कोई वो वाटर रोड डिस्कवर कर सके जो कि यूरोप से आगे जो है वो एशिया तक जाता है, लेकिन वो आगे से यूरोप से होता हुआ आगे अमेरिका में एंटर हो गया। तो इस तरह जो है वो उसने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। तो इसी वजह से जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको हम न्यू वर्ल्ड का नाम देते हैं क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुआ है, और अमेरिका से पहले जो कॉन्टिनेंट हमें नोन थे उनको हम ओल्ड वर्ल्ड का नाम देते हैं। तो ये था बिल्कुल बेसिक और इजी सा डिफरेंस बिटवीन ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।